देख रहे हैं दोस्तों, आज ये बना रहा हूँ मैं ये बेबी पोटैटोस। इनको मैं सरसों के तेल के अंदर में ऐसे ही भून लूँगा और उसके बाद में इसके साथ में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप अगर इसको ऐसे भी खाएंगे ना तो भी बहुत सही काम करेंगे। आलू छोटे छोटे अगर आ जाए घर पे तो उन छोटे आलुओं के साथ में अब करें क्या, छीलने का झंझट, तो छीलने का झंझट भी नहीं। तो मैंने इनको साबुत ही अपना कढ़ाई में तेल के साथ उतार दिया। और इसके साथ में आज मैं और क्या क्या करूँगा और क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या हो सकता है, वही सब आज की रेसिपी में आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। और रेसिपी तो शुरू ही है, तो चलिए अब बाकी रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश, देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, देसी शेफ लिटिल किचन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, झटपट और करारी रेसिपी। और ये देख तो रहे हैं आप, ये मेरे पास आलू हैं। अब क्या हुआ, आलू इकट्ठे लिए तो उसके अंदर से ये बेबी आलू भी निकला है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे आलू। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनके साथ में कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा। तो आज इसको बनाने के लिए मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ, यही आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फटाफट बन जाएंगे। और क्योंकि तो सबसे पहले इन आलू को मैंने अच्छे से धो लिए, धोने के बाद मैं हल्का सा वाइप भी कर लिया ताकि जब मैं इनको कुकिंग के लिए डालूँ तो ये तेल के साथ में छटपट आए नहीं। तो अब इनको मैं फटाफट थोड़ा सा प्रिक कर लूँगा। फोक लेंगे और उसके बाद में आलू को थोड़ा सा प्रिक कर लेंगे जैसे हम दम आलू के लिए करते हैं। और इनको ये देखिए, ताकि जो भी मसाला है ना ये अंदर तक चला जाए। ये देखिए, बस झटपट मैं सभी को ऐसे प्रिक करके आपसे मिलता हूँ। और मीन टाइम मैंने तेल चढ़ा दिया है, ये मैंने सरसों का तेल लिया है और इसको मैं गर्म कर रहा हूँ ताकि ये भी अच्छे से स्मोक आउट हो जाए, यानी इधर मेरे आलू प्रिक हो जाए उधर तेल गर्म हो जाए। तो झटपट ही आलू हो गए प्रिक और उधर तेल ने मेरे ने अपना धुआं भी छोड़ दिया। तो बस चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अभी हम कढ़ाई में सिर्फ नमक डालेंगे और कोई मसाला नहीं डालेंगे। और ये गए मेरे आलू, है ना फर्स्ट क्लास। अब एक बार अच्छे से सब तरफ से इसके ऊपर में ये तेल का कवर चढ़ा देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हाई हीट पर रखेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद में मैं इसको मीडियम लो फायर के ऊपर में रख के इसको कवर करके इसको आराम से टेंडर होने दूंगा। ये देखिए, जैसे हम इसको ना सील कर रहे हो या सियर कर रहे हो, और जितना तेल इसके अंदर जो हमने प्रिक किया उसमें भी चला जाए और बाकी तो ये एडजस्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, देखते हैं। बस अब इसको मैं झटपट ही ऐसे ही, ये हो गया ना तेल सियर, और अब इसको मैं गैस को मीडियम लो कर दूंगा और इसको कवर कर दूंगा। तो बस अब इसको कवर होने के बाद में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आलू है ना तो ये 10 से 12 मिनट में पक जाने चाहिए, क्योंकि मेरे को इसको बहुत ही क्रंची, टेंडर, क्रिस्पी और टेस्टी बनाना है। तो बस जैसे ये टेंडर होते हैं मिलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये आलू ऑलमोस्ट अपने मुकाम तक पहुँच गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक तो देखिए इनकी जो स्किन है कैसे अच्छे से पूरी की पूरी तरह से पक चुकी है, और बिल्कुल सिंपल, ये देखिए कैसे आराम से पूरी छुरी अंदर चली गई ना। अब ये देखिए फर्स्ट क्लास पक गए। अब दोस्तों ये मेरा बेसिक पोटैटो बन गया। आप चाहे ऑलरेडी नमक तो डाले हुआ है, आप इनको ऐसे ही फटाफट एज ए स्नैक्स खा जाइए, या अब आप इसको दम आलू में भी बना के डाल सकते हैं। आप इसके साथ में काली मिर्ची चिकन बना सकते हैं, कढ़ाई चिकन बना सकते हैं, आलू शिमला मिर्च बना सकते हैं, जो रंग रूप देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। जैसे कि मैं अब इनको काली मिर्च डाल रहा हूँ, तो ये मैंने अपने क्रश काली मिर्ची डाल दी इसके अंदर में। कितनी तीखी खाना चाहते हैं ये टोटली आपके ऊपर में। और इसके साथ में जो बहुत अच्छा लगेगा वो लगेगा ये मेरा कुटा हुआ धनिया साबुत, इसको मैं ऐसे ही कूट के रख लेता हूँ, और ये भी जब मुंह में आएगा बड़ा मज़ा आएगा। और बस ये तैयार तो है ही है। और नमक ऊपर से चाट मसाला जब खाने लगे तो चाट मसाला और छिड़क लेंगे अगर ज़रूरत लगी तो, या अपना और जो भी हमारे को इसको चटपटा करने के लिए चाहिए वो सब भी हम इसके साथ में अच्छे से कर सकते हैं।
एक हल्का सा क्विक मिक्स, और अब इसके ऊपर में मैं डाल दूंगा थोड़ा सा भुने चने का सत्तू। मैं एक चम्मच के लगभग इसमें डाल दूंगा ताकि ये अच्छे से लिटपिटा हो जाए। ये देखिए, और बस जस्ट ए क्विक मिक्स। और बेसन डलते ही देखिए कैसे इनकी रंगत में फ़र्क आ गया ना, और जितना भी तेल था, जो भी तेल था नीचे, ये सब का सब आलू के अंदर में अच्छे से चिपक गया। तो ये मेरे बन गए लिटपटे सत्तू वाले आलू, यानी चने के सत्तू वाले आलू। और अब आप इसको मस्त रोटी, नान, पराठा किसी के साथ में भी खाइए, सफ़र पे ले जाइए, टिफ़िन में दीजिए। लोग यही जानने के लिए पहले तो बेचैन हो जाएंगे कि ये है क्या। तो फर्स्ट क्लास मज़ेदार, और आम के आम, गुठलियों के दाम, क्योंकि जब आप छोटे आलू आए गए हैं तो इसको क्या किया जाए, मेहनत भी ना लगे और ये झटपट भी बन जाए, है ना कमाल की बात। तो बस जब भी आपके पास भी बाई चांस छोटे आलू आ जाए तो आप भी इस तरीके से या अपनी मर्जी से जो मर्जी बना सकते हैं, परंतु मैंने आज जो ये बनाया, मैंने आपके साथ इसको अच्छे से शेयर किया। तो आपको भी जब मौका मिले और ये रेसिपी अच्छे लगे तो आप ज़रूर इसको भी बनाइए और इसका स्वाद उठाइए, यानी इसके स्वाद का आनंद उठाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। बस जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड द लाइक ऑन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही खाते रहिए, खिलाते रहिए, बनाते रहिए, पकाते रहिए, बचाते भी रहिए और पैसे भी बचाते रहिए, और खुश रहिए। आपका आज और आने वाला हर दिन शुभ हो।